दिल्ली में कांग्रेस की छानबीन समिति की बैठक आयोजित हुई है। 15 जीआरजी में बैठक शुरू हुई है, अनौपचारिक बैठक आयोजित हो रही है। लोकसभा प्रत्याशियों के चयन पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद में पहली सूची जारी हो सकती है। राजस्थान की सीटों को लेकर के इस बैठक में चर्चा की जा रही है। जयपुर शहर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, जालौर, सिरोही, नागौर, कोटा पर एक बार फिर से मंथन किया जा रहा है। गुरुवार को भी कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी। राजस्थान के प्रत्याशियों को लेकर सीईसी की बैठक में चर्चा की जाएगी और इस चर्चा के बाद में कांग्रेस की पहली सूची राजस्थान के प्रत्याशियों की जारी हो सकती है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण सिंह फोनलाइन पर मौजूद हैं। जी प्रीत, क्या कुछ अपडेट है बैठक की? छानबीन समिति की बैठक आयोजित हो रही है, राजस्थान के प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, पिछले 4 घंटे से ये बैठक लगभग जारी है और अभी अभी कुछ देर पहले यहाँ पर बैठक में रघु शर्मा भी पहुंचे हैं। उनसे भी कुछ सीटों को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। अजमेर सीट को लेकर क्या कुछ समीकरण है उसको लेके उनसे चर्चा की जा रही है और ये भी सूत्रों के हवाले से निकल के आया है कि जिस तरीके से कई नए चेहरों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, कांग्रेस में शामिल हुए, उसके बाद जो है नए समीकरण क्या रहेंगे, किस तरीके से दोबारा से एक बार सभी सीटों पे मंथन किया जाए, क्या कुछ नए समीकरण रहेंगे उनको लेके एक बार फिर से चर्चा की जा रही है। तो खासतौर पर जालौर सिरोही की बात करें या अजमेर की बात करें तो यहाँ पर इन सीटों को लेके फिर से एक बार नए सिरे से चर्चा हो रही है। इसके साथ ही तमाम जो 25 सीटें हैं जहाँ पर सिंगल पैनल के नाम को लेकर एक बार पहले स्क्रीन कमेटी की बैठक हो चुकी है, सीसी को नाम सौंपे गए थे अविनाश पांडे की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, दोनों ही नेताओं ने मिलकर सीसी को नाम सौंपे थे। तो कल जबकि सीसी बैठक है शाम 5 बजे, उससे पहले एक बार फिर से चर्चा की जा रही है। जी जी प्रीत, राजस्थान की 25 सीटों को लेकर के बीजेपी ने 16 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। संभवतः कांग्रेस उन प्रत्याशियों को देख करके अपना चेहरा तय कर चुकी होगी, लेकिन अभी तक राजस्थान के प्रत्याशियों की एक भी सूची कांग्रेस जारी नहीं कर पाई है, जबकि भाजपा उनसे एक कदम आगे निकल चुकी है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, भाजपा एक कदम आगे चल रही है। हमेशा से भाजपा पहले सूची जारी करती रही है राजस्थान को लेके और अंतिम समय में कांग्रेस की ये परंपरा रही है कि अंतिम समय में जो है लिस्ट जारी होती है और नॉमिनेशन फाइल करते हैं जितने भी कैंडिडेट होते हैं। इस बार भी इसी रणनीति पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। कांग्रेस की ये रणनीति है कि कैंडिडेट का नाम अंतिम समय में घोषित किया जाए और विरोध से बचा जाए। तो यही वजह है कि कल अब जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज खत्म होने के बाद की बैठक कल सोनिया गांधी की आवाज से होगी तो पहली सूची जारी की जा सकती है जिसमें कुछ नाम जो कि सिंगल पैनल के नाम है जिनको फाइनल कर लिया गया है उसमें करीबन 10 से 12 कैंडिडेट्स को डिक्लेयर किया जा सकता है। जी जी प्रीत, जानना चाहेंगे कि पहली जो सूची है उसमें कौन कौन सी सीटें लग रही है कि सिंगल पैनल पे सहमति बन चुकी है और कौन सी ऐसी सीटें हैं जिन पर अभी भी पेच फंसा हुआ है? देखिए जालौर, सिरोही, अजमेर खास तौर पे ये 2 से 3 सीटें हैं जिनको लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है और नागौर की जो सीट है उसको लेके, तो ये जो तमाम सीटें हैं जिन पर अंतिम चरण की जो बैठक है वो यहाँ पर हो रही है। अशोक गहलोत खुद मौजूद है इसके अंदर और इसके साथ ही सचिन पायलट, प्रभारी अविनाश पांडे चर्चा कर रहे हैं। रघु शर्मा को बुलाया गया है खासतौर पर क्योंकि इस अजमेर की सीट से जो है सचिन पायलट जुड़े रहे हैं, रघु शर्मा जुड़े रहे हैं, तो ऐसे में उन दोनों ही नेताओं को बुला के चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही नागौर की जो सीट है जहां पर अभी तक बीजेपी ने अपना जो कैंडिडेट है वो फाइनल नहीं किया तो उसको लेके एक बार चर्चा हो रही है। जी जी प्रीत, अंतिम मेरा सवाल है आपसे, कल राहुल गांधी राजस्थान दौरे पर थे, 3 सभाओं को संबोधित किया। जयपुर में उन्होंने कई भाजपा के दिग्गज नेता रहे, पूर्व मंत्री रहे, ऐसे नेताओं को कांग्रेस में शामिल करवाया है। क्या इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अब उनको मैदान में उतारने की तैयारी में है? ऐसी कुछ आहट दिल्ली में आप महसूस कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, नए चेहरों को जरूर कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट बना सकती है। हालांकि पार्टी की ओर से खुद मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चाहे मंत्री ही क्यों ना हो, चाहे कितने ही वरिष्ठ क्यों ना हो, वो चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार रहे। उन्होंने खुद इस बारे में राहुल गांधी से मुलाकात करके कहा था कि जो मंत्री हैं, पार्टी के कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा जा सके ताकि सिर्फ और सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट कांग्रेस डिक्लेयर करे और जीत हासिल करे।
ऐसे में भाजपा के अगर कद्दावर नेताओं ने टिकट मांगी है तो पार्टी इस पर विचार कर रही है, उनकी तरफ से ये कहा गया है। जी जी प्रीत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी प्रीत किरण सिंह, दिल्ली से हमारी संवाददाता, जिसने बताया कि कांग्रेस की छानबीन समिति की बैठक आज आयोजित हुई है, अनौपचारिक बैठक हुई है। कल भी राजस्थान के प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की जाएगी और संभवतया इस चर्चा के बाद में राजस्थान के कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है कांग्रेस। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।